आज का जो हमारा टॉपिक है वो है और गेट। तो देखिए और गेट के बारे में हमें पढ़ना है, और आपको पहले और पढ़ना है, फिर एंड पढ़ना है, फिर नॉट पढ़ना है, ये बेसिक गेट्स हैं। फिर उसके बाद आपको नैंड, तो फिर उसके बाद आपको नैंड नॉर नॉट नैंड नॉर ये गेट पढ़ने हैं, फिर एक्स ओआर एक्स नॉर ये सब गेट पढ़ने हैं। तो इसमें से जो पहले तीन हैं जिनको कि और एंड और नॉट बोलते हैं, ये आपके बेसिक गेट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। फिर इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपके दूसरे गेट्स बनते हैं जो और एडिशनल वर्क करवाते हैं आपसे। तो लॉजिक गेट्स में ये है कि और एंड नॉट तो आपको पता ही होना चाहिए ढंग से, और फिर इसके बाद और भी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बता दें आपको जो हम गेट्स पढ़ेंगे ये तीनों पहले, इनके अंदर डेफिनेशन हेडिंग्स क्या क्या होंगी, हमेशा ध्यान दीजिए। हर ये पहली हेडिंग होगी परिभाषा या तर्क, मतलब और गेट अगर पढ़ेंगे तो और की परिभाषा पहले हमें देनी पड़ेगी, और क्या लॉजिक वो इस्तेमाल करता है वो देना पड़ेगा आपको। दूसरा क्या है, संकेत, किस सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल ध्यान से देखिएगा, कई लोग सिंबल सही से नहीं बना पाते हैं तो क्या गलती करते हैं वो सब हम देखेंगे इसमें। तीसरा होगा ट्रुथ टेबल, कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, उनके कितने क्या क्या आउटकम्स आने हैं, वो सारे के सारे हम ट्रुथ टेबल के अंडर में देखेंगे। चौथा है और ऑपरेशन, और या फिर उसका बूलियन एक्सप्रेशन, जो जॉर्ज बूल ने अलजेब्रा बनाई थी तो उस अलजेब्रा में और को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, तो उसको देखेंगे हम। और फिर पांचवा है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मतलब अगर कोई हम इलेक्ट्रिकल सर्किट लें और इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू हम और गेट को समझाना चाहें तो वो किस तरीके से समझाएंगे। और छठवां होता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट ये वो चीज़ होती है जो वास्तव में जिससे गेट बनता है। जैसे इसके अंदर बताया गया आपका डायोड लगा है या ट्रांजिस्टर लगा है या कुछ भी लगा है, तो वास्तव में वो गेट कैसे बनाया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट होता है। तो आपके सिलेबस में क्या किया गया है कि पांच पांच तो शुरुआत में चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है समझने में, तो इसलिए पांच पांच शुरू में बताए हैं और फिर तीनों गेटों के इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट एक साथ बता दिए गए हैं। पांच पांच के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज और गेट हमारे पास है, हम इसकी परिभाषा, संकेत, ट्रुथ टेबल और ऑपरेशन और इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ये सब करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए डेफिनीशन एंड लॉजिक। कुछ लोग इसको डेफिनीशन कहते हैं, कुछ लोग इसको लॉजिक कहते हैं, दोनों चीज़ें दोनों तरह से हम लिखवा देंगे तो वो आपके काम आएगी। देखिए जो चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ, गेट को उस तरह से नहीं समझाते लोग और इसी वजह से आपको रटना ज़्यादा पड़ता है। इसका लॉजिक ये है और का लॉजिक, जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए सपोज़ कोई गेट है, हमने उस पर दो इनपुट दिए ए बी और एक आउटपुट वाई है। और गेट का मतलब नाम और कैसे पड़ा, अगर आपके इनपुट में ए या बी वन है तो वाई वन होगा। मतलब ये जो और है ए और बी, कोई भी एक वन हो जाए अगर तो हमारा आउटपुट वन होगा। यही लॉजिक की वजह से हमारा गेट का नाम और गेट पड़ता है। मतलब ए या बी में से कोई भी एक हो जाए, हाई हो जाए, तो हमारा आउटपुट भी हाई हो जाएगा, यानी कि वन हो जाएगा। अब देखिए इसी के बेस पे हम देख लेंगे, सारी सिचुएशन देख लेंगे कि मैं कहता हूँ कि ए बी और आउटपुट वाई ये है, मैं कहता हूँ अगर ए और बी दोनों पे मैंने ज़ीरो दिया, तो आप लॉजिक सोच के, लॉजिक से सोचिए। लोग इस ट्रुथ टेबल को बनाते हैं एडिशन करके और ऑपरेशन के बेस पे बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाइए। आप इसको लॉजिक के बेस पे बनाइए कि अगर मेरे पास दोनों ज़ीरो हैं तो क्या वाई वन होगा। तो इसमें तो ये लिखा था कि ए या बी कोई एक वन हो तो वाई वन होगा, तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं है तो इसलिए आउटपुट हमारा वन नहीं होगा, यानी कि ज़ीरो होगा। ये समझ रहे हैं आप। उसके बाद मैंने ज़ीरो वन दूसरी पॉसिबिलिटी ली, ज़ीरो वन ये ज़ीरो है ये वन है, ए या बी में से कोई एक एक हो जाए तो वाई एक हो जाएगा, तो ए या बी में से कोई एक वन है वन तो इसलिए आउटपुट वन हो जाएगा। ये लीजिए, ये मैं लॉजिक से बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वन ज़ीरो को लीजिए, वन ज़ीरो में क्या है कि ये इधर वन हो गया इधर ज़ीरो हो गया, तो ए या बी में से एक कोई भी एक वन है, यदि ए या बी में से कोई वन है तो वाई वन होगा। तो और थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख दिया मैंने, तो वन ज़ीरो में देखे कोई एक वन है, हाँ ये है तो ठीक है आउटपुट वन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि दोनों ही वन कर दिए मैंने, चौथा ऑप्शन। अब मुझे यहाँ पर बताइए कि अगर एक मशीन से कहा जाए कि ये कंडीशन है ये लॉजिक है और बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, तो मुझे बताइए आउटपुट क्या आएगा।
पहली बात तो मैं बता दूं कि जो लोग जीरो कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे होंगे कि क्योंकि वन और वन का एडिशन जो है वो जीरो कैरी वन होता है, इसीलिए कह रहे हो जीरो। तो पहले मैं बता दूं कि आपने ये जोड़ा कैसे, मुझे ये बताइए। हमने अभी तक कहीं कुछ नहीं बोला है कि जोड़ने के लिए, हम केवल लॉजिक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जोड़ने का तो हमें पता ही नहीं है। ध्यान दीजिए, लॉजिक क्या कहता है, ए या बी में से कोई एक वन है तो वाई वन होगा। तो ए या बी में से कोई एक वन कहाँ है, यहाँ तो दोनों वन हैं, तो ये प्रॉब्लम मशीन नहीं समझ पाएगी। मैंने यही तो बताया था शुरू में कि 99% बच्चे जो हैं लोग भी लॉजिक नहीं समझते हैं, वो केवल वहाँ घुसते हैं जाके जहाँ पे उनको चीज़ें आसानी से आ जाएं, और वहीं पे गलती होती है। अगर आप प्लस कह रहे हो फिर तो इनकी टाइम बात सही होनी चाहिए, ये जो ज़ीरो कह रहे थे इस चीज़ को। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या होगा। वन वन लाइन पे ही अटक जाएगा, ठीक है ना, कि मैं ये चीज़ लूँ या ना लूँ। लेकिन जो और गेट डिफाइन किया गया है, इसीलिए और गेट को दो तरीके से डिफाइन किया गया है। एक है इंक्लूसिव और, और एक है एक्सक्लूसिव और। ये बात आप ध्यान से देख लीजिए, इससे आपकी कई सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और गेट्स को आप नए नज़रिए से देख पाएंगे। पहले आप मेरी एक बात बताइए मुझे। मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ कि कल, यानी कि आने वाला कल, टुमारो, टुमारो में मैं या तो घर पे रहूँगा या फिर स्कूल में रहूँगा। तो बताइए क्या दोनों बातें एक साथ पॉसिबल हो सकती हैं, कि मैं घर पे भी रहूँ और स्कूल में भी रहूँ। हाँ नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, है ना। जबकि और लगा है, मैं या तो घर पे रहूँगा या फिर स्कूल में रहूँगा, लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। अच्छा मैं दूसरा स्टेटमेंट देता हूँ एक। मैं, मतलब मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मैं या तो पॉलीटेक्निक में टीचर हूँ या फिर मैं, सपोज़ करिए कोई क्लब है, रोटरी क्लब है शहर में, या रोटरी क्लब का मेंबर हूँ। मैं या तो पॉलीटेक्निक में टीचर हूँ या रोटरी क्लब का मेंबर हूँ। अब बताइए क्या ये दोनों बातें सही हो सकती हैं एक साथ। हाँ ये सही हो सकती हैं। मैं टीचर होने के साथ साथ रोटरी क्लब का भी मेंबर रहूँगा, ठीक है ना। मैं कहलाऊँगा टीचर भी हूँ, मैं कहलाऊँगा रोटरी क्लब का मेंबर भी हूँ, और दोनों बातें एक साथ पॉसिबल हो सकती हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो कहलाती हैं एक्सक्लूसिव और। ये जो और है, और लगा है, लेकिन इस और का और इस और का मतलब अलग अलग है, ये आपका एक्सक्लूसिव और कहलाता है, ठीक है ना। मतलब एक चीज़ ले ली तो दूसरी आपकी एक्सक्लूड हो जाएगी, वो नहीं ली जाएगी फिर। और ये आपका इंक्लूसिव और कहलाता है, दोनों चीज़ें भी पॉसिबल हैं। तो हमारा जो ये और है जो हम पढ़ते हैं सिंपल और, ये बताया नहीं जाता है, या अंदर कहीं लिख दिया जाता है कि ये वाला और जो होता है हमारा वो इंक्लूसिव और होता है। और इंक्लूसिव और होने की वजह से वन वन का आउटपुट वन पॉसिबल है, मतलब कि आप अगर दोनों भी लेना चाहो तो दोनों भी ले सकते हो। और आपके पास आगे एक्सक्लूसिव और भी आएगा, आप तैयार रहिएगा उस बात के लिए। उस दिन मैं फिर से डिस्कस करूंगा आपसे। एक्सक्लूसिव और को एक्स ओ और गेट भी कहते हैं, या फिर जोर गेट भी कहते हैं। अब आप ध्यान दीजिए उसकी ट्रुथ टेबल क्या बनेगी। उसकी ट्रुथ टेबल में 0 1 1 तो आएगा, लेकिन 1 1 जब दोनों हो जाएंगे तो फिर क्या आएगा आंसर, 0 आएगा। वो उसको नहीं मानेगा, वो आपका एक्सक्लूसिव और होगा। तो अगर 1 1 की वैल्यू 1 है तो यानी कि ये सिंपल और, यानी कि इंक्लूसिव और है, और अगर आपकी ये 1 1 की वैल्यू 0 कही जाए तो वो आपका एक्स ओ और गेट कहलाएगा, यानी कि एक्सक्लूसिव और गेट कहलाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखिए। तो ये पूरी की पूरी ट्रुथ टेबल नियम यही कहता है कि ये लॉजिक से बनती है। बुक में भी, किसी भी बुक में आप देखेंगे तो लॉजिक बताने के बाद ट्रुथ टेबल बताई जाती है, और ट्रुथ टेबल बताने के बाद तब ऑपरेशन बताया जाता है, और इसमें प्लस का नाम बोला जाता है। लेकिन ये प्लस वो प्लस नहीं है जो आप यहाँ 1 + 1 0 करते हैं। बाइनरी एडिशन अलग चीज़ है, और लॉजिक सर्किट का एडिशन और प्लस होना वो एक अलग चीज़ है। तो कई बच्चे जो है 19% बच्चे वो यही सब मैच करे रहते हैं, और इस वजह से कंफ्यूज होते रहते हैं कि यहाँ पे 1 1 का 0 कैरी 1 क्यों नहीं आया, या ये सब क्यों नहीं आया। तो ये सब बातें आपको थोड़ा सा ब्रॉड होके सोचनी है। ये ऐसा वो नहीं है प्लस की ये प्लस प्लस वो सब सेम है। तो एक्चुअली वो 12th क्लास में उसको ज़्यादा एलेबोरेट नहीं किया जाता उस चैप्टर को, तो इसलिए इस तरह के मिसकंसेप्शन बन जाते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ को।
तो लॉजिक मैंने समझा दिया है आपको कि ये ए या बी में से कोई एक है तो वाई वन होगा। अब मैं ज़रा इसे लिखवा देता हूँ आपको, लिखिए इन्वर्टेड कॉमास में, और गेट वह गेट होता है जिसकी आउटपुट तभी वन होता है जब उसकी एक या एक से अधिक इनपुट हाई होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। नेक्स्ट पैरा, अर्थात नंबर वन, और गेट का आउटपुट हाई होने के लिए उसका कम से कम एक इनपुट हाई होना चाहिए। नंबर टू, और गेट की सभी इनपुट ज़ीरो होंगी तभी उसकी आउटपुट ज़ीरो होगी। नेक्स्ट पैरा में लिख दीजिए, यह बेसिक गेट है फुल स्टॉप, इसे इंक्लूसिव और गेट भी कहा जाता है। हेडिंग डालिए सिंबल, सिंबल देखिए इस तरह से और इस तरह से ये बनाया जाता है सिंबल। देखिए इसमें क्या करते हैं लोग, इसके कर्व पे ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ये तो ऐसे बना दिया, इसे अब ट्रायंगल बना देते हैं, ये गलत हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, इसे तो सीधा बना देते हैं, उसे कर्व बना देते हैं, फिर गलत हो जाएगा। इसका कर्व ऐसा है और उसका कर्व ऐसा है, फिर यहाँ पर दो इनपुट ए बी लग गए और यहाँ पर एक आउटपुट वाई आ गया। ये और गेट का सिंबल है, बना लीजिए इसे, लिख लीजिए दो इनपुट वाले और गेट का सिंबल चित्र में प्रदर्शित है। अब हेडिंग डालिए ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल में आप बनाएंगे एक कॉलम इनपुट्स का बनाएंगे, इसके फिर से दो पार्ट कर देंगे आप ए और बी, एक कॉलम आउटपुट का बनाएंगे उसका एक ही पार्ट रहेगा वाई, ठीक है। इस तरह से इसमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन भर देंगे, 0 0 1 1 0 1 1, और इसमें आप फिर वही लॉजिक लगा देंगे, इसमें कोई एक वो ही वन नहीं है तो इसलिए 0, और बाकी सब में हैं तो इसलिए 1। थोड़ा सा लिख लें, चित्र में दो इनपुट वाले और गेट की ट्रुथ टेबल प्रदर्शित है फुल स्टॉप, इसमें चारों संभव कॉम्बिनेशंस के लिए ये आउटपुट है। अब इसको कभी कभी लोग एलेबोरेट करते हैं ज़्यादा, बेवजह रहता है, लेकिन यह है कि ट्रुथ टेबल ही कभी आपसे पूछ दी दो नंबर में तो आपको फिर लिखना पड़ेगा। स्पष्ट है कि केस फर्स्ट, अब इसको समझाना है बस, यदि ए इक्वल टू ज़ीरो तथा बी इक्वल टू ज़ीरो तब आउटपुट आउटपुट वाई इक्वल टू ज़ीरो होगा। ऐसे ही सेकेंड केस, थर्ड केस, चारों लाइनों के लिए लिख देंगे आप, ठीक है ना। तो आप एक लाइन लिख लीजिए और बाकी तीनों को फिर इसी से देख देख के वही 0 0 पे 0 1 1 पे ऐसे करके पूरा चारों लिख लेंगे, है ना। एक लाइन लिख लीजिए हिंट के लिए और फिर चारों कंप्लीट कर दीजिएगा। नोट्स बना रहे हैं तो फिर प्रॉपर ही नोट्स बनाएं आप, क्योंकि ट्रुथ टेबल डिटेल में आ गई तो आपको ये लिखना पड़ेगा। और फिर अब बाद में लिखिएगा इसे, अब मैं नीचे इसका निचोड़ लिखवा देता हूँ। कंक्लूजन क्या है कि एक भी वन हो जाए तो आउटपुट वन है, अदरवाइज 0। लिख लीजिए, अर्थात जब और गेट के दोनों इनपुट लॉजिक पर 0 है तो आउटपुट भी आउट पर भी लॉजिक 0 प्राप्त होता है फुल स्टॉप। किंतु यदि एक भी इनपुट लॉजिक 1 हो तो आउटपुट लॉजिक 1 प्राप्त होता है। अभी निकालिए और ऑपरेशन एंड बूलियन एक्सप्रेशन। देखिए और ऑपरेशन को प्लस से प्रदर्शित करते हैं, पर यही ध्यान रखिएगा कि प्लस से केवल प्रदर्शित करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जोड़ दें वास्तव में, जैसे बाइनरी एडिशन होता है। बाइनरी एडिशन एक डिफरेंट चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ है। तो अगर मुझे ए और बी का और करना है और आउटपुट वाई मिलना है तो कैसे लिखेंगे, यदि ए व बी का आउटपुट का और आउटपुट वाई है तो y इज इक्वल टू रिप्रेजेंट किया जाएगा a प्लस बी से, इसे पढ़ेंगे a और b, और y इक्वल टू a और b से पढ़ा जाता है, लिखा जाता है ऐसे, पढ़ा जाता है ऐसे। तो इसलिए आप समझ जाइए ये प्लस वो प्लस नहीं है कि वन वन जोड़ा तो 0 और कैरी 1 आया।